और एडिगेजम चिन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पिछले दो महीने का हमारा वेरीफाइड पीएनएल। बेसिकली हमको पीएनएल देखने से ज़्यादा पीएनएल तो शेयर्ड है आपके साथ ऑलरेडी, राइट? सो उसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं कि पिछले दो महीने में हमने एग्जैक्टली कितना क्या किया है, प्रॉफिटेबल कैसे हुए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी आती कैसे है किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। सो आप YouTube पे किसी भी वीडियो पे चले जाइए हमारे, है ना, और उसका जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे तो यू विल फाइंड आउट वन थिंग, विच इज हमारा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक एंड दिस इज हाउ मच वी हैव मेड इन द लास्ट टू मंथ। अभी ये दूसरा महीना जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो हो सकता है, मतलब अभी एक हफ्ता ऑलमोस्ट बचा है, तो हो सकता है इससे कम भी हो जाए या फिर हो सकता है इससे बढ़ भी जाए अगर एक आधा प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें मिल जाता है इन दैट पर्टिकुलर केस। सो अभी क्या है ट्रेडर्स, हमारा जो पीएनएल आपको दिख रहा है इट इज समवेयर अराउंड 335 के आसपास का पीएनएल है हमारा ऑल द वे फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट से लेके अभी तक, है ना। ये जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का शुरू हुआ है उसका जो पीएनएल है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर ना दो ही चीज़ें हमको हाईलाइट करनी है इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेड डेज हैं अप्रैल के मंथ में। वहाँ पर हुआ क्या था, एक बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी थी, ये जो बीच में बैक टू बैक चार डेज दिख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर तो चलो कोई ट्रेड मिला नहीं था लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड मैंने लिटरली मिस कर दिया था, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी और मैंने उस ट्रेड को लिया नहीं, तो फिर ये हुआ कि दैट पर्टिकुलर ट्रेड एंडेड अप इन प्रॉफिट, तो उसमें कुछ 2.5 लाख का प्रॉफिट वहाँ पर हमसे मिस हो गया, नहीं तो दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट 5K आसपास एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो ये फर्स्ट वीक था, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल था, यहाँ पर कहीं पर एक ट्रेड हमने मिस कर दिया और दूसरे ही दिन उसमें टारगेट भी आ गया था, तो वे मिस्ड आउट ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। दूसरी चीज जो है, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया ही नहीं था, तो बेसिकली यहाँ पर जो आपको दो बड़े ग्रीन डेज दिख रहे हैं, एक में 120 समथिंग का प्रॉफिट है, दूसरे में जो है समवेयर अराउंड 172 का प्रॉफिट है, तो इसी में एक और प्रॉफिट भी ऐड हो जाता, तो पूरे महीने में एटलीस्ट हमारे पास 3 प्रॉफिटेबल डेज होते, बाकी सारे रेड डेज होते। और ये जो छोटे छोटे रेड डेज दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ा जो डार्केस्ट ग्रीन शेड दिखाई दे रहा है आपको, वी हैव बुक समवेयर अराउंड 172,000 इन दैट पर्टिकुलर डे, लेकिन ये जो डार्केस्ट रेड डेज दिखाई दे रहे हैं आपको, वहाँ पर जो सबसे बड़ा लॉस है इट इज़ ओनली अराउंड 55,870 रुपीज़। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, हमारा फोकस हमेशा यही रहता है कि कट डाउन योर लॉसेज एज सून एज पॉसिबल, है ना। उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट लॉस था हमारा इट वॉज 45,426। अब यहाँ पर देखो, मेरी एक रिस्क एपेटाइट होता है दिन भर का 42,000 to 44,000 से ज़्यादा मैं मार्केट को देता ही नहीं हूँ, उसके अलावा अगर मतलब स्टॉप लॉसेस में नहीं देता हूँ, उसके अलावा अगर कुछ ग्लिचेज हो जाते हैं, स्लिपेजेस आ जाते हैं, एंट्री टाइम पे नहीं हो पाती है, एग्जिट टाइम पे नहीं हो पाता है, ऑफकोर्स स्लिपेजेस में ही आ गया वो भी, तो ऐसी अगर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, गलत एंट्रीज हो जाती हैं, ऐसी अगर कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इन दिस पर्टिकुलर केस हमने ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार रुपये 19th ऑफ अप्रैल को मार्केट को एक्स्ट्रा देने पड़ गए थे, क्योंकि उस दिन हुआ ये था कि एक ट्रेड में हमको 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना था, वो स्टॉप लॉस स्लिप हो गया और सीधे के सीधे ट्रेड हमारे 75 पॉइंट्स अगेंस्ट जा चुका था। तो जब वो वापस 70 पॉइंट्स आया, हमने मीनवाइल मैंने मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल किया, वापस आया और वापस जाके मैंने उस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट किया। दैट इज व्हाट आई डिड इन दैट पर्टिकुलर केस। सो व्हाट हैपेंड इज वेरी सिंपल, वहाँ पर हमको एक 15,000 रुपये का और लॉस खाना पड़ा, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ 20,000 रुपीज लॉस ओनली, और यहाँ पर 44,000 का ही लॉस होता हमको, और फिर दूसरे ट्रेड में फिर से स्टॉप लॉस आ गया। यहाँ पर भी सेम केस सिनेरियो है। ऑलराइट, सो दिस मंथ वाज अ बिट टफ फॉर अस, क्योंकि बहुत सारे रेड डेज थे, बाकी के रेड डेज अगर आप देखोगे तो कहीं पे 4,800 का लॉस है, कहीं पे 19,000 का लॉस है, कहीं पे 5,000 का है, कहीं पे 5,000 का है, कहीं पे 1900 का है लिटरली, कहीं पे 3800 का है, कहीं पे 20,000 का भी है, कहीं पे 28 का भी है, कहीं पे 23 का भी है, लेकिन ओवरऑल जब आप पूरे मंथ को देखोगे तो इट वॉज इन ग्रीन ओनली, वो प्रॉफिट में ही था, लेकिन मई मंथ ने हमारा काफ़ी अच्छा काम कर दिया। मई का जो वेरी फर्स्ट डे था वहाँ पर एक हेज ने हमको प्रॉफिट दिया था अप्रॉक्सीमेटली 14,000 रुपीज़ का, तो इट वॉज अ गुड डे फॉर अस, 14,000 रुपये का प्रॉफिट हमारे हेज ने दे दिया, वी एंडेड अप क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग एंड उसको हमने क्लोज कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली ये हेज का प्रॉफिट नहीं था, ये एक्चुअली हुआ ये था कि ट्रेड हमारे फेवर में नहीं था और सिर्फ 10-12-15,000-14,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, तो हमने इस ट्रेड को काट दिया था, प्रोबेबली ये चीज़ हुई थी यहाँ पे। उसके बाद जो सेकेंड डे वहाँ पे 22,000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट किया हमने, फिर एक स्टॉप लॉस, फिर एक छोटा सा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हमको यहाँ पे
मिला. उसके बाद यहाँ पर इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, दिस वाज अ एक्सपायरी वेनसडे था, एक्सपायरी डे था. एंड यहाँ पर एज वेल वी बुक समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास, 105 106 रुपए के आसपास हमको बुक करने मिला. एक्सपायरी डे पे सिंगल डे में कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? दैट बीइंग रीजन यहाँ पर एक ट्रेड बुक किया हमने. उसके बाद देयर वाज नथिंग ग्रेट मच, ठीक है. लेकिन अगले ही मंडे को वी फाइंड आउट अनदर ट्रेड विच गेव अस 1,76,000 के आसपास. अब यहाँ पर ये जो आपको मोस्ट प्रॉफिटेबल डे दिख रहा है ना, इट वॉज एक्चुअली 2,25,000, 2,21,000 के आसपास. लेकिन हुआ ये कि फिर मेरे को दो स्टॉप लॉसेस मार्केट को देने पड़ गए, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे इट वॉज ओनली 1,76,000 रुपीज. मेरे को 40,000-45,000 मार्केट को वापस देने पड़े थे, ठीक है. उसके बाद अगेन नेक्स्ट डे वॉज 7,000 रुपीज लॉस फॉर मी. उसके बाद अगेन 7,000 रुपीज लॉस, फिर एक बार 7,000-7,000 का ही लॉस हुआ हमको. फिर एक स्टॉप लॉस हमको खाना पड़ा. एंड पूरे हफ्ते बाकी ये जो हमारा करंट वीक रनिंग है उसमें मंडे के दिन कोई ट्रेड्स नहीं था, ट्यूसडे के दिन कोई ट्रेड्स नहीं थे, मंडे के दिन छुट्टी थी एक्चुअली, ट्यूसडे के दिन कोई ट्रेड्स नहीं थे. एंड देन फिर कल के दिन, कल का ट्रेड आपने देख ही लिया होगा, है ना, लिटरली आखिरी के एक डेढ़ घंटे में हमको एक ट्रेड मिलता है और लिटरली इट गेव अस अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 1,09,000 रुपीज. वो ब्रोकरेजेस वगैरह हटा के 1,08,788 रुपीज बन जाता है. और अभी भी इस हफ्ते के दो दिन, आज का दिन, कल का दिन और फिर नेक्स्ट हफ्ता तो पूरा ही बचा हुआ है. तो देखते हैं क्या होता है इस पूरे हफ्ते में और कैसे रहते हैं हमारे आने वाले दिन, ठीक है. तो यहाँ पर जो मेजर लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है, मैं हमेशा से यही कहते हुए आ रहा हूँ कि फोकस ऑन कटिंग योर लॉसेस शॉर्ट एंड बड़े प्रॉफिट्स करने की कोशिश करो. दैट इज़ हाउ यू विल बी प्रॉफिटेबल. और अगर इतनी सी चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है, दैट इज़ वेरी ग्रेट. And thank you so much for watching this particular video. I'll see you in next video.